गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप श्रीवास्तव गोल्डन पब्लिक स्कूल चुहड़पुर खादर ग्रेटर नोएडा की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आज इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज के टॉपिक में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, उसके बाद रिंग बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल पे आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन आर प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम या कोई भी वर्ड्स हो या कोई भी नाउंस हो उसके गुणों को हम प्रदर्शित करते हैं, या जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता या गुण बताएगा वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, अर्थात हिंदी में बोले तो गुणवाचक विशेषण होता है। जहां पर एक किसी भी व्यक्ति का किसी भी नाउंस का एक गुण प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, He is a clever boy. वह एक होशियार लड़का है। Boy क्या है? Boy is a common noun. Boy is a common noun. Clever. Clever means होशियार। लड़का कैसा है? होशियार है। अर्थात clever शब्द जो है वो boy की विशेषता प्रकट कर रहा है, अर्थात क्लेवर जो है बॉय का एक गुण है। तो यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुई, अर्थात गुणवाचक विशेषण जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हिंदी में इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउंस आर प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम वाटर। सबसे पहले हम यहां समझेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण, जहां पे किसी भी नाउंस और प्रोनाउंस के परिमाण का पता चले वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम वाटर। कृपया मुझे कुछ पानी दो, अर्थात सम, यहां पर सम देखें, सम इस क्या होता है? कुछ होता है। सम मीन्स कुछ, मुझे कुछ पानी की जरूरत है, कृपया मुझे कुछ पानी दो, अर्थात ये कुछ का मतलब क्या हो गया? एक मात्रा हो गई, एक परिमाण हो गया। तो यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जहां पर किसी संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। The adjective that tell us the quantity of something are called adjective of number. For example, March is the third month of the year. मार्च साल का तीसरा महीना होता है। मार्च कौन सा महीना है साल का? तीसरा, अर्थात तीसरा वर्ग के तीसरा शब्द जो है वो संख्यावाची है।
संख्यावाचक है। अरे हम किसी से पूछेंगे मार्च कौन सा महीना होता है साल का, तो रिप्लाई हुआ तीसरा। तो तीसरा क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। वर्ड दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अर्थात जहां पे प्रश्न पूछने, प्रश्न के उत्तर देने को दर्शाया जाता है, वहां वो क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्नवाचक विशेषण का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ हैं। अर्थात कहाँ शब्द, यहाँ पे वेयर शब्द क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विशेषण हो गया। सो वेयर इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट में क्लेवर, सेकेंड में सम, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में वेयर। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।